आदाब नाजरीन सियासत टी वी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों मंजिल इंसान के जज्बात और अजायम के लिए ईंधन का किरदार अदा करती है यह उसके अंदर तलब और तड़प पैदा करती है रज जगहों पर मजबूर करती है और इसके शौक़ को पुख्ता करती है ये ऐसा अनदेखा मुकाम है जिसको इंसान अपने तकियुल की ताकत से बनाता है। हैदराबादी सितारे में आज के हमारे मेहमान अहमद कुरैशी भी अपनी सलाहियतों के बल पर मंजिल की जस्तजु में लगातार अपने फ़न की खूबियों की वजह से इन्होंने सोशल मीडिया देखने वालों के दिलों में एक जगह बनाई शुरुआत में इन्होंने टिकटॉक के वीडियो क्लिप्स के जरिए अपनी अलहदा शिनाख्त बनाई फिर इसके बाद हैदराबादी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाया अब यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी दिखा रहे हैं तो आइए मुलाकात करवाते हैं सोशल मीडिया और हैदराबादी फिल्मों के अदाकार अहमद कुरैशी से और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी अनमोल बातें क्या कर रहा है दीवाने क्या हो तो गया मरने भी ना तेरे सुकून से अरे दीवाने मरना है तो बिल्डिंग पे से कूद के मर बॉडी में कूद के मर जा लारी के नीचे आ जा इतने महंगे पेट्रोल से मरता रहे होने जब्बार चेतक निकाल पेट्रोल लारो आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे में अहमद खुरैशी साहब आपका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे इस शो के ज़रिए नाजरन को बताएँ सबसे पहले तो सभी ऑडियंस को असलकम और हमारे जाहद अली ख़ान साहब और आमिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं और के बी जानी साहब का भी मैं इनवाइट करने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देखता हूँ तकरीबन बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ पर आए हैं बड़े बड़े स्टार लोग आए हैं यहाँ पर तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मुझे कब इन्वाइट करेंगे मैं कब जाऊँगा बोल के तो इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे इस काबिल समझा के मुझे यहाँ पे इनवाइट किया जी 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 शुरुआती दौर की बातें अगर आप बताना चाहें तो आ, कैसा रहा आपका जो दौर था देखिए साहब स्टार्टिंग तो बचपने से जो है सो शौक़ था मेरे को कि मैं स्क्रीन पर आऊँ ऐसा टीवी जैसा कि शादियां होते थे पहले वीडियोग्राफी लेते थे तो मैं क्या करता हूं था नौशा से पहले मैं आगे आगे आता हूँ था कि वीडियो में दिखता हूँ मैं, मैं वीडियो में दिखता हूं मिलके तो बचपन से ही जो ऐसा शौक था कि अपने आप को जो ऐसा टीवी पे देखने का स्क्रीन पे देखने के लिए अच्छा उसके बाद जो ऐसा फर्स्ट स्टार्ट किया मैं जबरदस्त मूवी से मौका मिला था मुझे तो जबरदस्त मूवी से स्टार्ट किया एए! मेरी बाप दादा की प्रॉपर्टी की चोरा हड़प लेता कैरियर की जो शुरुआत हुई जी वो आ, अगर मूवीज का जिक्र करें तो आपको जबरदस्त मूवी में पहला ब्रेक मिला जी हाँ तो वो ब्रेक किस तरह आपको मिला उस बारे में बताइए जबरदस्त मूवी की शूटिंग असल में हमारे घर के गली में हो रही थी अपने अच्छा। बस्ती में हो रही थी जहाँ पे अजीज नाजेर साहब और आपके गुल्लू दादा साहब और के जानी साहब भी वहाँ पे आए थे <laughs> आपका भी कैरेक्टर है उसमें माशाल्लाह जबरदस्त तो शूट हो रही तो जब मैं बहुत पर्सनालिटी मोटा था मैं गले गोल गोल थे एकदम गोल लट्ठू के साथ दिखता था छोटा था जब मैं तो उस टाइम पे जो है सो शूट चल रही थी तो पब्लिक ठहरे हुई थी वहाँ पे तो शूटिंग हो रही शूटिंग हो रही बोल के पब्लिक जमा हो रही तो मैं भी देखने का आता अरे शूटिंग हो रही कहते कौन है भाई अरे गुल्लू बोआ गते जहांगीर बोई आए गए बोल के अपन भी चले गए जब पब्लिक ऑडियंस में जाके ठहर के देखा तो वहाँ पे बच्चे देख के अड अहमद भाई बोल के आवाज़ आंदी है जब मोटा था मेरे को सताते थे, थे जब जिन्हें मोटू मोटू ऐसा बोल के सताते थे, थे तो जो है सो देख के अजीज भाई देखे मेरे को देख के बोले इधर आओ अमिया बोल के बोले गए क्या नाम है बोले तो अहमद है बोले तो उन्होंने बोले के एक कैरेक्टर है करते क्या आप बोले बोला आओ करेंगे क्यों क्यों नहीं करते पहले से शौक़ था अपने को करने का तो उसके अंदर एक सीन ऐसा था कि अपने जो उसमें का कैरेक्टर थे शिवा भाई जी जी तो शिवा भाई के कान में के बोलने का था कि तुम्हारी बाप दादा की पूरे तो वहां से आपकी शुरुआत हुई जी हाँ वैसे अहमद साहब जहाँ हम देखते है कि आपका तो बिल्कुल अलग है आप अपने बिजनेस को भी संभालते हैं और साथ साथ एक्टिंग शोबे से भी जुड़े हुए हैं जी हाँ देखिए ये एक्टिंग का कीड़ा तो पहले से ही था लेकिन जिस तरह आपने है, हैदराबाद में मूवीज़ बनना चालू हो गए जी दांगरेज देखा था मैं पहली मूवी सी डी देखा था उसके बाद एक शौक था कि मैं भी कुछ करूंगा ऐसा बनाऊँगा बोल के जब हालांकि बिजनेस बोले तो जब मैं स्कूल जाता था उस टाइम पे अच्छा जब दांगरेस मूवी आई थी जब स्कूल जाता था उसके बाद जो है सो एक्टिंग के चक्कर में स्कूल भी छूट गया अच्छा तोज्जो ज़्यादा नहीं थी पढ़ाई में कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे बोल के रहता था उसके बाद एफ एम मूवी आई गुल्लू दादा की वो भी देखता था ख़ासकर हैदराबाद के फिल्म देखता था और उसके साथ साथ बिज़नेस भी करता था बिज़नेस जैसा कि अब वो शॉप थी ना अपनी शॉप पे बैठता था और जैसा कि शॉप पे काम होता था कर लेता था मेरा कर लेने के बाद जो है सो हमारे बड़े भाई या कोई अगर आ गए तो उनको बिठा दे के निकल जाता था मैं अच्छा शूट्स के लिए जैसा कि डायरेक्टर है कोई प्रोड्यूसर है कोई कहीं ऑफिस है डायरेक्टर की बोले तो वहाँ जाके उनसे मुलाकात करता था कुछ काम है तो दीजिए सर बोल के साथ रिक्वेस्ट करता था नहीं लेकिन अहमद खुरीशी साहब देखिए आपका अपना बिजनेस भी संभालना होता है और शूटिंग के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है काफ़ी वक्त देना पड़ता है तो इसके लिए आपके बड़ों की डांट डपट भी आपने सुनी होगी उस बारे में आप ज़रूर बताइए वो तो बहुत बहुत हाँ वो बड़ों को रहते थे ना हमारे वालिद साहब हमारे बड़े भाई जो भी है घर में बड़े थे वो लोग डांटते थे बातें करते थे ये आउटिंग वोटिंगा क्या कर रहा काम कर दुकान पे बैठ कारोबार देख वो सब बेकार चीज़ा हैं वो फालतू के काम है वो बोल के वो, ऐसा डांटते थे बातें करते थे तो उनको बोले बगैर निकल जाता था इजाज़त लिए बगैर पहले एक दो बार इजाज़त लिया नहीं दिए वो लोग तो अच्छा। वो लोग को नहीं मालूम हुए जैसा निकल जाता था अच्छा आ, अब वो जैसा फिल्म रिलीज होने के बाद पब्लिक आगे उनको बोलती थी अरे तुम्हारा भाई फिल्म में है तुम्हारा भाई ऐसा वीडियो बनाया ऐसा वो लोग बोले तो जब उन लोगों को प्राउड फील होना चालू हुआ अरे चलो जो भी कर रहा है ना अच्छा अच्छा कर रहा हूँ बोल के वहां से सपोर्ट करना चालू करे लेकिन अहमद कुरैशी को आज जब आपके भाई हो या आपके वाले साहब हो या आपके खानदान वाले जब आपको देखते हैं क्या कहते हैं उस बारे में आप जरूर बताइए ओला प्रेजेंट बॉस क्या कलेक्शन है तुम्हारा 67,930 रुपए कई को ऐसा कलेक्शन कम होता जा रहा क्या करेंगे बॉस अरे मैं तुम लोगों को मशीना दिया ना अब हाँ बॉस सही है लेकिन उसमें बैटरी नहीं आ रही बॉस वो गोडाउन से लेके डाल ले अब जब भी मेरे को देखते कि जो ऐसो एकदम खुशी से कि अरे भाई अहमद खुरीशी अहमद कुरेशी बोलते हैं और तकरीबन हमारे फैमिली में जो है सो अड़ोस पड़ोस में बोल लेते हैं हमारे जैसा कि तायरे भई है चिचेरे भाई है, है मामू के लड़के है कोई भी अरे अहमद कुरेशी हमारा भाई है भाई, भाई बोल के ऐसा <laughs> बोल लेते हैं वो लोग अच्छा अच्छा जैसे आपको फेम मिला आपको नाम हुआ जी तो अब खानदान में भी वाकई खुशी महसूस करने लगे हाँ। वरना अदरवाइज शुरुआत में तो आपको डांट डपट खानी पड़ी हाँ बहुत खाए अच्छा अहमद खुरेशी साहब एक चीज़ ये है कि जब आप मूवी कर रहे थे जी उसके बाद आपने टिकटॉक जो ऐप था हाँ। उसके बहुत सारे वीडियोस बनाए तो आपके जहन में ये चीज़ कैसे आई कि भाई ये मूवीज़ तो मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ और ये टिकटॉक के वीडियोस बनाने की वजह क्या रही टिकटॉक वीडियोस बनाने की वजह ये रही साहब के उस दौर में जो भी मैं मूवी करता था तो मेरे को परफॉर्म करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था कैरेक्टर्स छोटे छोटे रहते थे क्योंकि बड़े बड़े सीनियर एक्टर आते हैं वहाँ पे लीड कैरेक्टर करते थे उस उस टाइम पे अपने को मौका ज्यादा नहीं मिलता था स्क्रीन पे दिखाने के लिए तो मैं क्या करता था एक वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड करता था जो भी डायलॉग वगैरह है जो भी मेरे को दिखता था अच्छा करना वो करके मैं फेसबुक पर डालता था तो टिकटटॉक के ऊपर जो है सो एक एप्लीकेशन रहता था जिसमें साउंड इफेक्ट्स वगैरह जो भी है आते थे ऑलरेडी इसके अंदर तो मैं उस पर बना के फेसबुक पर डालता था लेकिन वो फेसबुक पे वायरल कम हुए ज्यादा टिकटॉक के ऊपर हो गए अच्छा तो वहां से नाम मिला मेरे को पहचान रहे थे लोग क्या मार मार रहे पुलिस वाले बोल रहे हैं। तुम रहे हैं। तुम तो तो क्या बोल रहे तो तो कर रहा अच्छा लगभग आपने कितने वीडियोस तैयार किए होंगे जो टिकटॉक अभी तो ऐप बंद हो गया है। बंद हो गया अभी तो लेकिन अगर आप जिक्र करना चाहिए वो कौन सा रहा उसमें सबसे बोले तो मैं जो एक डायलॉग बनाया था नाम के ऊपर बनाया था मेरे नाम से तो वो डायलॉग जो है सो जुम्मे के दिन का कुछ ऐसा डायलॉग था तो वो डायलग कुछ इस तरह था कि एक सामने लड़का बोलता है मेरे को क्या रे अहमद खुरैशी क्यों मारा मेरे भाई को तो मैं बोलता हूँ गलती करा उन्हें गलती करेगा तो मारेगा तो मैं बोलता हूँ अरे अलीमुद्दीन कलीमुद्दीन नईमुद्दीन सलीमुद्दीन तुम लोगों की किस्मत अच्छी है रे आज के दिन क्योंकि अहमद कुरेशी नहीं मारता किसी को भी जुम्मे के दिन <laughs> तो अच्छा। ये वीडियो को बहुत लोग पसंद करे और इसके अंदर लगभग एक लाख से ज्यादा लोग में मेरे जाके कॉपी करे अच्छा एक लाख से ज्यादा लोग जब टिकटॉक के ऊपर कॉपी करके बना के डाले तो और ज्यादा वायरल हुआ नाम के अहमद कुरेशी अहमद कुरेशी बोल के तो पहले तो लोग टिकटॉक पे अहमद कुरेशी से कम जानते थे कहीं भी देखिए तो अरे टिकटॉक टिकटॉक बोलते थे मेरे को टिकटॉक बोलते थे अरे टिकटॉक वाला जा रहा टिकटॉक वाला जा रहा उसके बाद जो है सो नाम से पुकारना चालू करी है डायलॉग आने के बाद ओके अच्छा अहमद कुरैशी साहब हालिया दिनों टिकटॉक ऐप बंद हो गया तब तक तो आपकी दुकान काफ़ी जबरदस्त चल रही चल थी तो जिस वक्त टिकटॉक बैंड हो गया या बंद हो गया जब आपकी सूरत हाल क्या रही होगी मेरे को तो पहले यकीन नहीं हुआ कि टिकटॉक बंद हो गया बोल के अच्छा आ, मेरे को उस दिन रात में जैसे हमारे एक दोस्त है शेख साजिद मेरे साथ वीडियो बनाते थे उन्होंने तो उन्होंने बोले अरे भाई फोन करे रात में ग्यारह बजे देखे क्या क्या देखे भाई बोले तो अरे टिकटॉक बंद हो जा रहा कहते कल से तो उस टाइम पे अफवाहें बहुत आते थे अच्छा। ये हो जा रहा वो हो जा रहा ऐसा मर नहीं होता भाई ऐसा कैसा होता इतना बड़ा ऐप है करोड़ों लोग जुड़े हुए उसके साथ अरे नहीं बंद हो जा रहा बोले तो ठीक है बोल के मैं खामोश होगा सो गया फिर सुबह देखा तो भी ऐप था अच्छा मैं उसको फोन करके बोला अरे कहा था वैसी बोलते लोग बोल तो, तो जितने आपके जो वीडियोस आपने तैयार किए हैं जैसा आपने बताया कि तीन हजार लगभग हाँ। वीडियोस आपने तैयार किए थे तो आपकी मेहनत तो बिल्कुल पानी पानी हो गई और पूरा पानी हो गई पूरा सफाट हो गया मसला कभी आपके जहन में ये चीज आती हाँ। होगी कि भाई काश वो वीडियोस होते तो आज मेरे कहीं ना कहीं हाँ। फॉलोवर्स भी फौलोवर्स होते, होते फिर या फिर या वो वीडियोस के जरिए मेरा हाँ। और भी बहुत ज्यादा नाम होता हाँ। लेकिन अफसोस होता है हाँ। लेकिन मेरे को जो सो उसके है उसके बाद इंस्टाग्राम पे एप्लीकेशन आया रील का अच्छा उसके बाद मेरे को मैं हिम्मत नहीं हारा वहां से मैं क्या करा जैसा रील बना रील का ऑप्शन आते फिर शुरू से स्टार्ट किया जैसा टिकटॉक पे स्टार्ट किया था उसी तरह

ये जो रील हो या फिर टिकटॉक हो इसका आपको कहां से मिलते हैं ये देखिए जैसा कि बैठे बैठे हम लोग तीन चार लोग बैठ के ऐसे करते हैं कि भाई ऐसा कुछ करेंगे बोल के ये लाइन यहाँ बिठाएंगे ये लाइन ऐसा यहाँ बिठाएंगे बोल के कॉन्सेप्ट तैयार करते है? एक कॉन्सेप्ट तैयार करके बना लेते उसको नहीं क्या आपको यकीन होता है कि भाई जो भी लाइन तैयार कर रहे हैं ये आप वीडियो के लिए जो भी चीजें आप तैयार कर रहे हैं है। ये हिट हो सकती है या नहीं नहीं उसमें भी ऐसा है साहब अपन क्या करते तकरीबन सोचते अरे ये बहुत अच्छा है ये ये वायरल होना ही छोना बोलते लेकिन वो कभी वायरल नहीं होता और कोई वीडियो नॉर्मली अपन डालते ऐसी लाइट ले लेके बना दिया डाल दिया भाई ऐसा लेकिन वो कभी वायरल हो जाता मिलियंस में चल जाता वो ओके okay. तो कोई वीडियो की गारंटी नहीं रहती कि कब कौसा वीडियो वायरल होगा ओके नहीं एक बात है अहमद कुरैशी आप काफ़ी अरसे से टिकॉक के वीडियोज़ हो या रील्स के वीडियोज़ आप तैयार कर रहे हैं तो अगर कोई इस फील्ड से जुड़ना चाहता है या फिर रील्स वगैरह तैयार करना चाहता है तो उसके जहन में क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर एक रील तैयार करने के लिए एक वीडियो तैयार करने के लिए वो हमें ज़रूर बताइए हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए देखिए साहब अगर कोई जो है सो इस तरीके से लाइन में आना चाह रहा जैसा कि वीडियोस बनाना चाह रहा तो सबसे पहले उन्हें सबर करने वाला होना सबर करना पड़ता है क्योंकि तकरीबन लोग जो है सो सब्र नहीं करते कि मैं पचास वीडियो डाल रहा मेरी एक वीडियो भी वायरल नहीं हुई भाई मैं सौ वीडियो डाला कंटेंट अच्छा बनाना पब्लिक को अट्रैक्ट होना उस चीज़ में और एक्ट अपन अच्छा करें तो खुद ब खुद वीडियो वायरल भी होंगी और आपको उसका रिजल्ट भी आएगा नहीं देखिए एक आध वीडियो या दो वीडियो पाँच वीडियो कितने वीडियोस तक वो सबर करता रहे लगभग 300 वीडियोस भी होते हैं चार सौ भी होते रहना हो अच्छा। बस बस अपन कोशिश करते रहे ना बस। नहीं कोशिश तो हर कोई करता है अहमद हाँ। खुदी बनने के लिए <laughs> लेकिन अहमद खुरीशी बन नहीं पाता इसका रीजन आप क्या मानते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैं खुद तकरीबन सीनियर लोगों से सीखे हुआ हूँ अच्छा अभी भी सीख रहा हूँ मैं बहुत सारे लोगों को देख के चाहे कोई बड़ा कलाकार चाहे उसके फॉलोअर्स रहने दो न रहन दो अब इंस्टाग्राम पे भी अभी भी मैं सर्च करता हूँ जो फ़नी कंटेंट बनाते लोग वो लोग को सर्च करता हूँ चाहे उसकी आईडी बड़ी रहने दो छोटी रहन दो सीखना बोलता हूँ मैं चाहे बड़े से सीखो या छोटे से सीखो सीख के जो है सो अपन मैं उसको बना के डालता हूँ अभी भी सीख रहा हूँ मैं चलिए बहुत अच्छी बातें हैं आपकी और भी हम मजीद गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा जी तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फे नाजरीन सियासत टीवी की ताजा तरीन खबरें मुशायरे मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टी का टेलीकास्ट भी देख सकते हैं YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का जाना पहचाना नाम अहमद खुरीशी वक्फे से पहले आपने शुरुआती दौर की बातें बताई और किस तरह आपकी जर्नी का आगाज़ हुआ और किस तरह आपने वीडियोस तैयार किए अभी हम जो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर एक्टिव हो गए हैं फिल्म के बाद अब जब आप यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं क्या हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है कि लोग जो है यूट्यूब की तरफ ही रागिब हो रहे हैं पहले तो जो है सो जैसा हैदराबादी मूवीज़ बनते थे थिएटर में प्ले होते थे आजकल पब्लिक थिएटर को नहीं जा रही तकरीबन ऑनलाइन चल रहा आप घर में भी देखिए टीवी में लगा के जो है सो लोग जो है सो प्राइम वीडियो जो भी नए नए आए आ रहे यूट्यूब सब जो है सो घर में ही देख रहे थिएटर तक नहीं जा रही लेकिन हैदराबादी इंडस्ट्री बोले तो अभी तकरीबन कमज़ोर हो चुकी है अभी हैदराबादी क्या आपके बॉलीवुड मूवीज़ भी जो है सो आप बना लेंगे करोड़ों रुपए देके लेकिन उसको प्रमोट सोशल मीडिया पे ही कर रहे आके तो अब फिलोख सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया काफ़ी पावरफुल हो गया है पावरफुल और आप क्या मानते हैं कि क्या सोशल मीडिया आने से हमारी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो उसको काफ़ी नुकसान हुआ है हाँ नुकसान तो हर किसी को हुआ है इससे आप मूवी बना रहे करोड़ों रुपए दे दे के लगा के जो सो मूवी बनाते हैं या कोई वेब सीरीज़ बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं जैसा कि बहुत बड़े पैमाने पे बनाते हैं बड़े जो बॉलीवुड मूवीज़ है वो बनाते हैं तो पहले ऐसा था साहब महीनों पिक्चर जो है सो थिएटर में चलती थी एक मूवी लगी आपको तो एक दिन में चार शो होते थे महीनों जो सो खींचते थे उसको कोई सौ हफ्ते कोई पचास हफ्ते चलती थी मूवी तो दिखने का जरिया नहीं था वहाँ पे कई बाहर अब आपको मूवी देखना है तो थिएटर में जाके देखते थे लोग और मैं तो बड़ों से सुना कि जब शोले मूवी आई थी लोग जो है सो थिएटर के बाहर ही सो जाते थे टिकटा नहीं मिल रहे बोल के जी जी उस पीरियड में अब ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया आ जाने से इधर थिएटर में जो है सो मूवी चल रही आपके फ़ोन में मूवी आ जा रही वही मूवी ऐसा होगा ऑनलाइन से तो इससे नुकसान हुआ नुकसान होगा कौन जाएंगे आप देखने के लिए थिएटर को तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरटेनमेंट का पहले जरिया जराए कम थे कम थे अभी आजकल आप घर बैठे घर बैठे स्मार्ट टीवी के जरिए या, या के जरिए मोबाइल के जरिए मोबाइल के जरिए हर चीज में जैसा की आप घर में जो है सो आपको मैखलिया बनाना है बोले तो लेडीज जो है सो मैखलिया बोल के मार दे रहे आ जा रहा उसके अंदर सही है सही हर चीज मिल जा रही है आपको सोशल मीडिया पे सही बात है मैं बातों में लगा दो उसको तुम ना पीछे से आके चद्दर उठा के डाल दो पकड़ के खींच के ले लेके जाएंगे उसको आज चलो गंदा है जी। YouTube चैनल्स में आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आप कर रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं वो कैरेक्टर्स तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह यूट्यूब के ऊपर देखिए साहब मैं आपके हैदराबाद में जो सबसे अभी ट्रेंडिंग में हर बार चलते हैं शहबाज खान साहब जो नूर भाई के नाम से बहुत मशहूर है उनके साथ भी काम किया हूँ एक वीडियो में उनके पुष्पा बोल के स्पूप बनाए थे उसका जी तो उसके अंदर इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करा था मैं क्या बेहूदा हरकत कर रहा मैं ये चढ़ा ऊपर चढ़ा रहे मैं झुकेगा नहीं उसके बाद जो सो अभी चैनल पे जो चल रहा है हमारा कॉमेडी का हंगामा उस पर भी कर रहा हूँ ओके okay. लेकिन एक बात है अहमद खुरीशी जहाँ आपने बताया कि भाई YouTube चैनल्स में हम जो देखते हैं कि एक वीडियो एक कंटेंट लेके आते हैं और फिर लोग उसको पसंद भी करते हैं Uh, कभी उसके व्यूज़ मतलब देखने वाले कम ज़्यादा होते रहते हैं लेकिन आपने जहाँ जिक्र किया कॉमेडी का हंगामा उस चैनल में हम जो देखते हैं वहाँ पर लगातार सीरीज़ के तौर पर एपिसोड वाइज आते हैं इसकी अहम वजह क्या है जबकि दूसरे चैनल्स में सिर्फ एक एपिसोड एक कंटेंट आता है और फिर ख़त्म हो जाता हो है ये ऐसा है साहब पहले जो है सो घर वाली बाहर वाली बारह एपिसोड कर चुके थे हम लोग अच्छा टीम के साथ पूरे आ, उसके बाद एक बीवी ऐसी भी फर्स्ट एपिसोड करे थे तो वो कंटेंट ऐसा था साहब एक वीडियो जैसा बोले आप एक वीडियो में आ रहा ख़त्म हो जा रहा था उसके बाद जो है सो आपके तफ़ीम भाई को जो है सो आप कुछ आइडिया दिए थे जानी भाई के भी जानी साहब आप उसमें जो है सो एक लाइन लेके दिए थे कि भाई इसको और खींच सकते हैं बोल के तो वो एक एपिसोड जहाँ खत्म हो जा रहा था वो आपकी मेहरबानी से जो है सो पूरा फलास क्या हुआ भाई अब क्या कम पड़ा तेरे को वो अदरक था मामू एक बात बता मेरे को हर थोड़ी थोड़ी देर को अदरक लहसन मिठा तेल खोपरे का तेल शक्कर अरे क्या तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं रहता राशन पानी घड़ी घड़ी यहाँ जाता सो अल्हम्दुलिल्लाह मामू हमारे घर में इतना राशन है की तुम्हारा पूरा गाँव बैठ के खा सकता

और आगे ले लेके जा रही है अच्छा जब आप देखते हैं एक बीवी ऐसी भी तो उसमें अलग अलग करैक्टर होता है जिसमें आप मामों का रोल निभा रहे हैं तो उसमें जो अलग अलग कैरेक्टर्स है सबसे मकबूल तरीन सबसे ज़्यादा महबूब कैरेक्टर आपको कौन सा लगा सबसे अच्छा कैरेक्टर मेरे को इसके अंदर जो है सो मनोवर अली साहब जो अच्छा। वालिद साहब का कैरेक्टर कर रहे हैं बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहे हैं लोग बाकी कैरेक्टर बाकी भी है इसके अंदर लेकिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वैसे तो पूरे फेवरेट है पूरी टीम के लेकिन अच्छा कैरेक्टर उन्होंने प्ले कर रहे हैं मेरे को पसंद आता है उनका और अम्मी का कैरेक्टर जो मेरे बहन का कैरेक्टर कर रहे हैं उन्होंने प्रिया रेड्डी उन्हों तो माशाल्लाह पब्लिक पूरी पसंद कर रही है उनको तकरीबन लोग जो है सो मैसेजा मेरे को भी करते हैं कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं इन्होंपेश बोल के उसके बाद तफीम भाई जो इस एपिसोडो में जितनी भी मेहनत है पूरी उनकी रहती है जैसा कि शूटिंग एडिटिंग बस और उन्होंने कैरेक्टर भी प्ले करते हैं शूट भी करते एडिट भी करते डायलॉग्स वगैरह भी जो है सो स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार करते हैं मेहनत करते हैं उन्होंने

मेहनत करती इसके ऊपर चलिए एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा आपने इतने सारे रोल किए हैं लेकिन आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट रोल कौन सा रहा होगा मेरा सबसे फेवरेट अभी जो मामू का कैरेक्टर है वो बहुत पसंद अच्छा ये जो मामू का कैरेक्टर आपने इस वेब सीरीज के जरिए परफॉर्म करना शुरू किया जी तो ये कहाँ से आपके जहन में आया कि भाई मामू ऐसा होना चाहिए क्योंकि देखिए जो मामू हम जो देखते हैं वो मामू की छवि तो कहीं से भी नजर नहीं आ रही अच्छा ये ऐसा है साहब ये हमारे रिलेशन में एक हमारे मामू है अच्छा तो बस उनके हिसाब से उन्होंने जो है लुंगी पहनते शटा ढीले पहनते ऐसा अभी तो मामू तो नहीं है गुजर गए अच्छा तो उनसे थोड़ा कैच कराऊ अच्छा मामू बोले तो माला मामू अपने मामू के टाइप में आगे देखेंगे किस तरह दिखता बोल के जोसो है सो प्रेजेंट किया तो इसका तो? मतलब ये हुआ कि आपके रियल मामू की एक्टिंग भांजा कर रहा है हाँ वैसे ही समझिए तो लेकिन तो... कैरेक्टर वैसा नहीं है उनका अच्छा अब इसमें कैरेक्टर में क्या है बोले तो मैं जोसो सास को सासकू भाऊकू लड़ाना करना ऐसा कैरेक्टर है इसके अंदर मामू का ये मामू का तो के कहीं देखा तो देख सुन नहीं, नहीं, ये ऐसा हुआ साहब के कोई लेडी जो रहते अक्सर रहते एक घर की लड़ाई चार घर लगाते कैसे रहते औरतों के बातें तो उस टाइप में था तो मैं बोला भाई ये लेडीज का काम अगर अपन मामू से करें तो कैसा रहेगा थोड़ा हटके दिखता अपने को डिफरेंट दिखता यानी हर जगह तो जैसे लेडीज सो लेडीस औरतों में लड़ाई लगाते इस बार मामू को ला गया, हंडियालू कामा के हंडियालू काम करेंगे आपके वही सोचा अच्छा तो ये आपका आइडिया था हाँ मेरा आइडिया था ऐसा करेंगे बोल के बोला था तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिए वो चीज़ को तफीम भाई और अल्हम्दुलिल्लाह चल, चल रहा है चल रहा है चलिए बहुत अच्छी बात है अभी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आप जरूर बताइए कि किस तरह के रोल्स आप करना पसंद करेंगे क्योंकि ये तो खैर मामू है इससे पहले आपने एक और कैरेक्टर किया था घर वाली वाली घर वाली में साले का साले का कैरेक्टर मैं देखिए आगे फ्यूचर में हर तरह का कैरेक्टर करना चाहूँगा यानी जो आर्टिस्ट की ख्वाहिश रहती कि भाई मैं इंस्पेक्टर का करूँ मेकैनिक का करूँ और आपके जो है सो भाई का करूँ ऐसा हर कैरेक्टर को अच्छे से अच्छे तरीके से पेश कर सकूँ बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं आगे और जो है सो नए 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 कैरेक्टर प्ले करूँ नहीं लेकिन एक बात है जहाँ आपने अलग अलग किरदार निभाए हैं लेकिन वो आपको आइडेंटिटी आपकी जो शख्सी तौर पर लोग जो जानते हैं वो टिकटॉक के जरिए ही जाने हैं इसमें खातर खा फायदा नहीं हुआ है नहीं। आप क्या मानते हैं कैसा एक डजन डाल दो पैसा दे रहे भाई मोस तीस रुपए डजन नीचे रखो यहाँ है तीस रुपए डजन हाँ अरे कम लगा के दियो भाई एक पांच छः डजन ले लेंगे ठीक है।, है चार डजन दे देता तो हूँ एक सौ बीस रुपए दे दो ठीक है चलो डालो आपके भाई है हाँ कवर में डालो भाई तुम्हारे साइज का कवर नहीं है बाजू हटो टिकटॉक पे जिस तरह मेरा नाम था टिकटॉक पर जैसा लोग पहचानते थे उसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि यूट्यूब पे भी जो है सो एक नाम हो एक पहचान बने और अलग अलग कैरेक्टर इसलिए करता हूँ मैं कि कोई एक कैरेक्टर क्लिक हो जाए जैसा टिकटॉक के ऊपर हुआ था टिकटॉक तो बंद है उसी तरह जो है सो उम्मीद करता हूँ मैं कि आगे जो है सो कोई एक ओसा भी छोटा मोटा कैरेक्टर भी जो है सो क्लिक हो जाता है जैसा कि कोई छोटी भी वीडियो आजकल वायरल होने के ज़माना चल रहा है कोई भी वीडियो आप डालो वायरल होने का किधर से भी हो जाती होने की चीज़ तो बस वही कोशिश करता हूँ मैं हर बार जो है सो कुछ नया करेंगे कुछ नया करेंगे बोल के बस वही करता हूँ चलिए बहुत अच्छी बात है लेकिन अहमद खुरैशी साहब जब आपने बताया कि भाई यूट्यूब के ज़रिए आप जुड़ गए हैं और तफ़ीम कॉमेडी हंगामा में आप काम कर रहे हैं शहबाज़ ख़ान वगैरह वगैरह लेकिन एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कौन सी कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है क्या हमारे पास कंटेंट के साथ आर्टिस्ट भी उस तरह के हों आप क्या मानते हैं पहले तो साहब कंटेंट अच्छा होना चाहिए उसके बाद आप जैसा बोले कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट भी जो है सो अच्छे होने चाहिए जैसा कि आप फ्रेंडली करना जैसा कि तकरीबन आर्टिस्ट होते हैं कि आते हैं काम कर लेते हैं चल जाते हैं आर्टिस्ट जो है सो मिलजुल के करने वाला आर्टिस्ट होना चाहिए काम सपोर्ट एक दूसरे को लेके चलने वाला चाहिए और ज़्यादातर आपको तो मैं देखता हूँ कि आप बड़े बड़े मूवीज़ में भी जो है सो डायरेक्टर को खुद जो है सो सपोर्ट करते हैं आप जो है सो आइडिया देते हैं क्योंकि अब अच्छा दिखा तो कोई भी जो है सो अरे भाई करेंगे क्यों नहीं होता बोल के तो इस तरीके के आर्टिस्ट होना और टेक्नीशियन अच्छा होना आजकल जो है सो टेक्नीशियन के ऊपर ही चल रहा दार उमदार पूरा अच्छी क्लियर वॉइस आपकी जो है सो क्लियर वीडियो जो भी है आपके अच्छे होना चाहिए उस चीज़ के लिए लेकिन एक जाप जहाँ आपने टीम का ज़िक्र किया जी तो हम जो देखते हैं अभी जो यूट्यूब चैनल्स में आ, कुछ दिन हुए और कामयाबी मिली चैनल क्लिक हुआ फिर टीम धीरे धीरे करके बिखर जाती है हाँ। ऐसा क्यों देखिए साहब ऐसा है कि जब टीम मिलके करती तो टीम का एक वजूद रहता अब वो करने करते जैसा कि आप नाम हो गया नाम होने के बाद क्या होता है चार लोग आके चार बात बोलते अरे भाई तुम्हारी तरफ से चल रहा चैनल अरे अरे भाई तुम <laughs> कर रहे अरे तुम्हारा अच्छा है भाई तुम उनकन कहीं क्यों कर रहे ऐसा दस लोग दस बोलते पीछे से लेकिन टीम मिलके करे सो बात अलग रहती है एक वो रहता टीम का जो वजन बना रहता वो बाद में अब बनाने वाले बना लेते भाई अब आप कोई किसी को बोल नहीं सकते अब आप जो सो आपका चैनल बना सकते मैं मेरा चैनल बना सकता हूँ वो चीज़ को लेकिन अपनी जो टीम एक के जो रहे ना वज़न जो पना रहता पूरी टीम का वो बात नहीं आती सही बात है अहमद कुरैशी साहब आपने शुरुआत में बताया कि भाई आपने इस शौक़ के आगे अपनी तालीम को तर्क कर दिया पढ़ाई छोड़ दी लेकिन आज आप क्या महसूस करते हैं एजुकेशन होता तो मैं आज ये डगर पे होता या आपको क्या ख्याल आते हैं या फिर पढ़ाई नहीं होने के कुछ नुकसान भी आपको हुए हैं बहुत से हुए मेरे को नुकसान पढ़ाई छोड़ने से जैसा कि मैं पढ़ाई पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया तकरीबन जगह ऐसा महसूस होता है कि काश मैं पढ़ लेना था यह। यहाँ पे जो है सो मेरे को रुकना नहीं पड़ता था बहुत से जगह ऐसा महसूस हुआ मेरे को पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है आज करके दौर में ख़ास कर उस दौर में तो उतनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी लेकिन अब अलहमदिल्ला स्कूल्स बहुत हो गए कॉलेज बहुत हो गए हर महल में जो सो हमारे बस्ती में पहले जो सो एक मदरसा एक स्कूल था अब अलहमदिल्ला तकरीबन पंद्रह से सोलह स्कूल्स हो गए तो जो है सो मेन पढ़ाई है इसी वजह से पढ़ाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आजकल के पीरियड में जो है सो बग़ैर पढ़ाई के कोई चीज़ नहीं हो रही बस यही कहना चाहूँगा मैं कि पढ़ाई के ऊपर इम्पोर्टेंट पढ़ाई पे दीजिए आप दूसरे काम भी करिए लेकिन पहले पढ़ाई अगर पढ़ाई में अच्छा पढ़ लेता आगे बढ़ता तो पढ़ाई मेरे को जो है सो या फिर मैं डॉक्टर बनता था या इंजीनियर या कोई पुलिस डिपार्टमेंट में या बहरहाल कुछ भी एक अच्छी पोस्ट पर रहता था तो ख़ानदान में भी क्या रहता था एक नाम अलग रहता था अरे फलाना जो है सो पढ़ा लिखा डॉक्टर है भाई वो है भाई ऐसा तो बस ये चीज़ मिस करता हूँ मैं तो बहरहाल आप आए इतना वक्त दिया बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया आपने आ, चलते चलते मेरा जो आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लोग टिकटॉक या रील्स के वीडियोस तैयार करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा रहेगा क्या पैगाम रहेगा आजकल के पीरियड में कोई जो है सो सोशल मीडिया से जुड़ना चाह रहे जैसा कि यूट्यूब TikTok तो नहीं रहा अभी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना चाह रहे तो आप लोग सबसे पहले कैमरे की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए और कंटेंट में दम होना चाहिए कंटेंट अच्छा होना चाहिए और उसके अलावा जो है सो आप स्ट्रॉग है जैसा कि आप जो है सो घर के हालात आपके ठीक है आप जो है सो बाहर एक से चार वीडियोस बना सके और घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही उस वजह से तो आप बनाइए क्योंकि घर में कुछ राशन पानी नहीं है आप जो है सो इसके वास्ते पैसे खर्चा करके जो है सो आप वीडियोस बना रहे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती आगे मेरा तो अलहमदल्ला पहले से बिज़नेस था मैं बिज़नेस करते पर यह चीज़ करा अलहमदिल्ला नाम हुआ लेकिन तकरीबन जनों को देखता हूँ कि मैं घर के हालात ठीक नहीं रहते लेकिन वो लोग जो है सो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं बस पहले अपने घर में देखिए पहले घर में हीरो बनिए बाद में जो है सो सोशल मीडिया पे हीरो बनिए <laughs> सही है सही बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खुरैशी साहब आप आए इतनी अच्छी अच्छी बातें की थैंक यू वेरी मच शुक्रिया अदा करता हूँ मैं भी आपका फिर से और हमारे फिर से जाहद अली ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर साहब का थैंक यू सियासत टीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे इनवाइट करें हमारे के बी जानी साहब थैंक यू सो मच तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्ट की भी जाने को इजाजत दीजिए अल्लाह ਗੱਡਾ 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 ਗੱਡਾ